दिया आप लोगों ने सर हमारी, क्यों जीत दर्ज कराई है, क्या लगता है क्या स्ट्रेटेजी थी ऐसे वार्डों को जीतने के लिए? देखिए, जहाँ तक स्ट्रेटेजी के सवाल है और रणनीति का सवाल है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने हर मोर्चे पर इस बार तैयारी की थी और कमर कस रखी थी, और लेकिन मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता को धन्यवाद दूंगा कि जनता ने हमें सहयोग किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, उन्होंने कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा। एक बात और, अब लंबे समय बाद आप सरकार में वापसी, आपकी ग्वालियर चंबल सीमा के लिए कई बार आप लोग भी अपेक्षा ये आरोप लगाते रहे कि ग्वालियर चंबल सीमा की उपेक्षा, आप लोगों की क्या प्राथमिकता है इसकी? देखिए, जैसा कि हम लोग विपक्ष में ही बोलते थे कि जो भी यहाँ पे सो कॉल्ड तरक्की हुई वो सब कॉस्मेटिक थी, शहर के चौराहे ठीक कर देना, थोड़ा सौंदर्यीकरण कर देना, वास्तविकता में विकास नहीं हुआ। और हमने जैसा आपको बताया, जैसे हमारे आज भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कमलनाथ जी, उन्होंने कहा कि वचन पत्र को हम ये बात मानिए आप सब तो सब पालन करेंगे उसका, तो जो भी यहाँ पे पिछड़ापन है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र बहुत अच्छे तरह से विकसित है यहाँ पे, लेकिन चूंकि उनके पास आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, उनको सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार जो जो कमियां हैं, तो हमारा पहली प्राथमिकता जो होगी वो पहले रोजगार उत्पन्न करने की होगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, बहुत युवा बेरोजगार है, और दूसरा जो शिक्षा की स्थिति है जैसा आप जानते हैं, उसको भी हम गुणवत्ता के हिसाब से ठीक करते हैं। आखिरी सवाल, जो 34 विधायक चुन के आए हैं उसमें से 16 तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉलेज की दलील पर कदम ही नहीं रखा। आपकी पहले भी बात हुई थी कि अजय सिंह कितना अनिवार्य मानते हैं आप, खासकर जब राजनीति में इस तरह के पदों पर आप पहुँचते हैं। सिंह साहब, आपने मुझसे ये चुनाव से पूर्व भी ये सवाल किया था और मैंने अपना मत स्पष्ट किया था, इससे अच्छा बहुत अनिवार्य है, और मैं फिर से अपने जवाब को दोहरा रहा हूँ कि जो हमारी साक्षरता है उसके अनुपात में ही लोग नेता आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में और अधिक स्नातक और अधिक पढ़े पीएचडी लोग भी। एक सवाल मेरा भी, आरपी सिंह जी, आप कह रहे हैं कि विकास अभी दिख रहा है, संभावनाएं हैं, तो आप किस चीज को विकास मानते हैं और विकास की क्राइटेरिया आपकी नज़र में क्या है, किसे विकास कहते हैं? देखिए, मैं विकास उसको कहता हूँ जो सोसाइटी में सर्वांगीण विकास हो, मतलब उसमें सिर्फ इसको फाइनेंशियल आस्पेक्ट पर लेके ना चले हम, हमारा जो जीवन स्तर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें भी तरक्की हो। और आज जो कमियां, बेरोजगारी तो कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, आप हर सातवें घर में एक बेरोजगार युवा है, तो शिक्षा के साथ रोजगार और रोजगार शिक्षा जो हो वो रोजगारमुख हो, मतलब रोजगार से रोजगार के ओरिएंटेशन से हो, ऐसी शिक्षा हो। और जहाँ तक विकास का सवाल है, जो आधारभूत सुविधाएँ हैं जो किसी भी विकासशील देश के लिए आवश्यक है, उनको हम जहाँ तक हो सके उनको मजबूत करें और उन्हीं के आधार पर हम आगे चलें। तो बीजेपी ने ये विकास किया नहीं, मूलभूत सुविधाएं जुटाई नहीं? अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज वो शायद विपक्ष में है, विपक्ष में ना होते सत्ता में होते।